नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हरीश तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आज का हूँ बहुत ही शानदार आज के सेशन को लेके तो मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं जल्दी से जुड़ेगा बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाली है साथियों आज की ये जो हमारी साइंस एक्सप्रेस की क्लास है जिसमें आपके हरीश भैया आपकी बहुत ही शानदार एक्सप्रेस सीरीज को शुरू करने वाले हैं और यकीन माननी साथियों को इस क्लास में बहुत कुछ नया है जो सीखने को मिलेगा आपको मैं पहले क्लिक कर दूं कि आज की एक्सप्रेस सीरीज की हम जब बात करेंगे तो ये एक्सप्रेस ट्रेंड अपने टाइम पर है तो एक बार के मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं जल्दी से सेशन को लाइक मारो शेयर करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है तो मैं छोटे भाई बहनों से कहना कि दबा के एक बार सेशन को लाइक मारिए और शेयर कीजिए आपको बता दो देखिए साथियों कि यहाँ पे हमारी जो नई रणनीति है जिसमें आपके तीनों तीनों बड़े भाई आपके लिए बहुत ही शानदार एक्सप्रेस सीरीज को लेके आए हैं जिसके अंदर देखिए सुबह नौ

तो टेंशन मत लो आपके लिए बहुत कुछ है जो सोच के रखा हुआ है ठीक है तो क्लास को मैं शुरू करूंगा अभी थोड़ी देर से से लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले बता दो जल्दी से क्या तैयार है आज बहुत ही शानदार तरीके से कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आपको मैं मैं क्लियर कर साथियों आज आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और साथ साथ में आर आरबी में या हमारे आर के अंदर पूछे गए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो दोनों होने वाले हैं तो ये जो घंटे का हमारा सेशन है ना ये बड़ा धुआंधार होने वाला है क्यों भैया क्योंकि आप साथ साथ आपको तो है। मजेदार है इसके अलावा कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको क्लास के खत्म होने के बाद चलते चलते हैं क्लासे शुरू तो जल्दी से बताओ मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हो आज की बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास के अगर तैयार हो

आपको मैं देखिए बता दू सुनो से, कि हमारे अंदर देखिए बच्चे खाने को पचाने के लिए जो पाया जाने वाला तंत्र होता है इसी तंत्र को हम सिंपल सी भाषा में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मिलता है देखो ये मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं और इस छोटे से डायग्राम के बाद इसके बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम डिटेल से पढ़ने वाले देखिए एक सेकंड लगेगा बेटा मुझे बनाने में बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक मिनट का समय दीजिएगा ताकि मैं आपको फिर सारी की सारी बातें बहुत कंसेप्चुअली यहां पे समझा पाऊंगा ठीक है और फुल ऑफ एनिमेशन वाली क्लास हमारे पास होने वाली है आज चलो एक सेकंड बस देखिए साथियों तो ये मैंने हमारे शरीर के अंदर देखिए बहुत से हिस्से हैं जो मैंने बनाना शुरू कर दिए है आप देख पाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे डायजेस्टिव सिस्टम की मैं जब बात करता हूं ना तो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे तंत्र है जिसे बोलते हैं कौन सा डायजेस्टिव सिस्टम और मैं क्लिक कर दो देखिए कि आपको मैं इसकी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा साथ साथ में इसके जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चंस जो बनते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं ठीक है ठीके? चलो तो ये हमारे शरीर में अंदर पाए जाने वाले देखिए तंत्र में से एक है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा डायजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं आप यहाँ पे इसको दिख पाएंगे अच्छे तरीके से चलो अगर हम बात करें इसके अंदर तो मैं एक छोटा सा डायग्राम और बनाऊंगा जो यहाँ पे हम बनाते हैं पेंक्रियास एक सेकेंड डाल रख चलो ये हमारा पेंक्रियास हो गया ठीक है भैया अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में भी क्या क्या चीजें बनी है देखिए ध्यान से तो सबसे पहले देखिए आपके शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर बहुत से पार्ट है जो आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं देखिए ध्यान से चलो तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यानी कि पाचन तंत्र के अंदर हमारी जो शुरुआत होती है ये देखिए बच्चे शुरुआत होती है कहां से माउथ कैविटी से और माउथ कैविटी को बच्चे हिंदी में क्या कहा जाता है इसको बोलते हैं मुख गुहा तो एक्चुअल में देखा जाए तो पाचन तंत्र की जो शुरुआत है वो कहां से होने वाली देखिए बेटा मुख गुहा से होने वाली है माउथ कैविटी अच्छा डायग्राम कैसे बना है सबके सब जो कमेंट के अंदर बताओ जल्दी से बेटा सबके सब इज इट गुड और नॉट मजा आया कि नहीं आया देखिए क्योंकि आपको हर एक चीज में क्लिक कराने वाला डोंट वरी देखिए इसी तरह से देखिए बच्चे यहां पर आपको मिलेगा जिसे बोलते हैं लीवर और लीवर को देखिए बेटा हिंदी में बोलते हैं यकृत जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले बहुत ही फेमस ग्लैंड में से एक होता है ठीक है यहां पे देखिए साथियों आपको मिलने वाला है अमाशय और अमाशय को देखिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है स्टमक बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर में एक्चुअल में भोजन सबसे पहले जो हाँ पे आएगा वो कहाँ पे आएगा अमाशय के अंदर ही आने वाला है इसके बाद देखिए आपको नीचे जो मिलेगा इस नीचे मिलने वाले हिस्से को बच्चे बोलते हैं अग्निशय है। और इस अग्निशय को ना इंग्लिश में नाम दिया गया है पैंक्रियास क्या बोलते हैं पैंक्रियास बोलते हैं फिर देखिए आपको यहाँ पे बड़ी आंत मिलने वाली है और बड़ी आंत को देखिए बड़ी आंत को हम हिंदी में बेटा बड़ी आंत बोलते हैं

अब हमारे शरीर के अंदर हम जो भोजन लेते हैं मतलब हम जो फूड इंटेक करते हैं तो फूड हम जो लेते हैं बेटा वो कहां से लेते हैं माउथ कैविटी से लेते हैं तो हम यहाँ पे भोजन कहाँ से लेंगे मुग गुहा से लेंगे तो भोजन लेने से लेके भोजन के पचने तक की जो कंडीशन होती है उसकी बनने वाली जो अवस्था होती है वो सारी की सारी हमारी पाचन तंत्र का भाग मानी जाती है तो पाचन तंत्र के अंदर देखिए शुरुआत कहाँ से मुग गुहा से है ये जो बीच वाला हिस्सा को नजर आएगा इस बीच वाले हिस्से को साथियों नाम दिया है ग्रास नली और इसी ग्रास नली को देखिए बोलते हैं ईसोफेगस ईसोफेगस क्या बोलते हैं? बोलते हैं हैं तो हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं चलो स्टमक भी बेटा भाग भाग्य बिल्कुल देखो ध्यान से स्टमक की हम जब बात करते हैं तो ये हमारा है देखो अब हम जब बात करेंगे ना तो हमारे पाचन तंत्र को बेसिकली हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा उसको हमने पांच पार्ट में तोड़ दिया तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पाचन तंत्र कितने पार्ट में तोड़ा गया तो आंसर पांच पार्ट में तोड़ा गया कौन कौन से पार्ट है तो पहला है इंजेक्शन मतलब भोजन को ग्रहण करना दूसरा देखिए साथियों कौन सा डाइजेशन जिसे बोलते हैं पाचन का कर... तीसरा कौन सा है जिसका नाम है भोजन का अवशोषण करना चौथा है बेटा एसेमिलेशन जिसे बोलते हैं स्वांगीकरण और पांचवा कौन सा इजेक्शन जिसे बोलते हैं मलत्याग अच्छा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सुनो बच्चे बहुत ज्यादा तेजी से कमेंट कर रहे हैं बेटा देखो आपके इतने सारे कमेंट का रिप्लाई करना अभी तो पॉसिबल नहीं है मिल रही है तो मिले पॉसिबल किया मैं पहले तुम्हें पढ़ा लेता हूं पढ़ाने के बाद लास्ट के जो पांच मिनट बचेंगे मैं तुम्हारे के सारे सारे कमेंट का जवाब दूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक है टेंशन ना लो ठीक है

और आहार नाल को बेटा क्या बोलते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है देखिए अब इस आहार नाक के सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा बकल कैविटी यहां पे मिलती है ग्रास नली नलीसोफेगस फिर यहाँ पे अमाशा है और लास्ट में हमारी आते हैं तो ये फैक्ट आप समझो लेकिन मैं बताना चाहूंगा देखिए लीवर के बारे में और पैंक्रियाज के बारे में तो लीवर पैंक्रियाज हमारे शरीर में पाचन तंत्र में ऐसे भाग होते हैं जहां पे भोजन नहीं जाता है अब सर मुझे खुद ही बताओ सबके सब क्या हमारा भोजन या हमारा जो फूड है वो कभी भी लीवर में जाने वाला है नहीं जाने वाला मतलब लीवर के अंदर भोजन नहीं जाता है लेकिन लीवर हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है इसी तरह से आप देखो ध्यान से अग्न्याशय के बारे में अग्न्याशय मतलब पैनक्रियाज के बारे में तो अगर आप नोटिस करोगे अगर आप नोटिस करो ध्यान से तो हमारे शरीर के अंदर लीवर और हमारे शरीर के अंदर अग्न्याशय ये दो ऐसे अंग होते हैं ये दो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें भोजन नहीं जाता है। इसमें भोजन जाता नहीं है लेकिन ये भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं मतलब ये हमारे फूड के

तो मैं ये नजर नहीं आ रहा कि भैया कितनी शानदार क्लास लेके आए है तारीफ नहीं हो पा रही तुमसे नालायक को पढ़ लो आराम से मैं पहले क्या बोलता हूं ये वो परिवार है जहां पे तुम्हें सिलेक्शन मिलने वाला है तो ये परिवार पे कॉन्टेंट की वैल्यू करो अगर अगर वो कॉन्टेंट पढ़ना है ना तो आपको इससे बेस्ट परिवार कोई मिलने वाला नहीं है तो पढ़ो चुपचाप जल्दी से दिखे यहां से तो मैंने छोटा सा पॉइंट बता दिया कि हमारे शरीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो इस आहार नाल के अलावा एक पार्ट और मिलता है जिसे बोलते हैं संबंध पाचन थी अब हम जरा यहाँ पे देखिए कि हमारे में पाचन होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा मुख आ, मुख का है साथियों भोजन, तो भोजन की शुरुआत होने वाली मुख गुहा से जिसे हम क्या बोलते हैं बकल कैविटी बोलते हैं एक्चुअल है सिंपल सी बात यह क्योंकि हम जो भोजन खाते बेटा मुंह से खाते हैं अब तुम्हारी तरह तो है नहीं आप में से कई लोग होंगे जो गाना गाते होंगे कि देखा जो तुझे यार दिल में बजा गिटार उनको ऊर्जा मिल जाती कहीं और से लेकिन हमें जो ऊर्जा मिलती है ना साथियों वो मुंह से मिलती है अब आप में से है कुछ ऐसे अब आज का बेटा महीना भी वही चल रहा है फरवरी का महीना चल रहा है है ना क्या करें साहब यह फरवरी के महीने को देख के ना मुझे बात याद आई है सुनना चाहो कि थोड़ा सा मैं लीक से हट रहा हूं मैं समझ रहा तुम्हारी बात को बेटा कि ये महीना तो मान ली वैसा वाला महीना है क्या बोलते हैं ना भैया बहुत दुख वाला महीना है बहुत दर्द वाला महीना है बेटा सुनो एक बात मैं कह रहा हूं सुनो सबके सब ध्यान से कि कितने दिलों को तोड़ती है कम्बक्त फरवरी तुम्हारे लिए स्पेशली बात है कि कितने दिलों को तोड़ती है कम्बक्त फरवरी यू ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं अब जरा सुन लो सबके सब ठीक है चलो लेकिन मैं ये क्लिक करना चाहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कहां से करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन जो बेटा लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है यहां पे मुख गुहा से लिया जाता है सिंपल सी बात है अब ये जो मुख गुहा है जिसे हम बगल कैविटी बोलते हैं तो ये बगल कैविटी देखिए आपको कुछ इस प्रकार से नजर आने वाली है आपको बताऊं कि हमारी बगल कैविटी में जीव मिलेगी आपको साथ ही साथ हम जब बात करते हैं देखिए हमारे दांत है जो मिलने वाले हैं इसके अलावा देखिए सलाइवा जिसे क्या बोलते हैं लार तो लार भी है जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है इसको जरा समझिएगा छोटा सा पॉइंट है लॉजिकली है अब आप जरा ये देखिए कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे भोजन का स्वाद पता करने के लिए जीभ मिलती है और इस जीव के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 टेस्ट बर्ड्स मिलते हैं नॉर्मली हमारी जो जीव होती है वो यहाँ पे पांच तरह के स्वाद का पहचान कर लेती है कौन कौन से स्वाद भैया तो पहला है मीठा दूसरा नमकीन तीसरा खट्टा चौथा कड़वा और एक और स्वाद मिलता है जिसे हम पांचवा स्वाद बोलते हैं पांचवा टेस्ट बोलते हैं, बोलते हैं उसको बोलते हैं उमामी स्वाद ये एक्चुअल में जो नॉनवेज फ्लेवर होता है ना नॉन वेज खाना होता है उसमें मिलता है नॉन वेज के अंदर ये हमारा जो चाइनीज भोजन होता है उसमें ये पाया जाता है ठीक है तो हम जब बात करते हैं मीठा है नमकीन है खट्टा है कड़वा है उमामी स्वाद है ये सब चीजें हैं जो आपको मिलने वाली है लॉजिक के सारी बातें अब देखो ध्यान से अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मिलेगी कि हमारी जो यहाँ पे जीव होती है तो इस जीव के ऊपर यहाँ पे छोटे 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 स्वाद कलिका मिलती है इन स्वाद कलिकाओं को बेटा कहा जाता है रिसेप्टर्स क्या बोलते हैं रिसेप्टर्स बोलते हैं संवेदनाएं बोलते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह पता चलेगा कि यहां पे पांच तरह के नहीं चार तरह के रिसेप्टर मिलते हैं जिन्हें पैपिला कहा जाता है तो पहला भी है कौन सा मिलता है देखिए तो पहला मिलता है यहाँ पे फिलीफॉर्म पैपिला फिर कौन सा देखिए फॉलियट है फिर कौन सा फंजी फॉर्म है और लास्ट में कौन सा वैलेट है तो क्वेश्चन ये बनता है एग्जामिनेशन के अंदर कि हमारी जीभ के ऊपर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं स्वाद कलिकाएं जो होती हैं इन स्वाद कलिकाओं को क्या कहा जाता है तो इन्हें बोलते हैं पैपीला क्या बोलते हैं भैया पैपीला बोलते है. रहे हैं रहे इसी प्रकार से हम दांत बनाते हैं देखिए तो हमारे शरीर में हमारे मानव की हम जब बात करते हैं ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस के अंदर साथियों चार तरह के दांत मिलते हैं तीन तरह के दांत मिलते हैं तो इंसान के दांतों को बेसिकली तीन कैटेगराइज में तोड़ा गया है आपको मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो क्वेश्चन के अंदर आपको सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे देखिए तो पहला कौन सा है गर्द दंती मतलब हमारे जो दांत होते हैं हमारे जो दांत होते हैं बेटा स्क्रीन ऑन ऑफ हो रहा है ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे ऐसे लग रही है आज हो रही है कोई दिक्कत नहीं मैं क्लास की बात चेक कराता हूं उसको ठीक है देखो तो हमारे जो देखिए बेटा दांत होते हैं ना वो हमारे मसूड़ों के अंदर दबे रहते हैं ठीक है तो हमारे जो दांत है वो मसूड़ों के अंदर दबे रहते हैं इस कारण से इसे क्या बोलते हैं गर्द दंती कहते हैं पहली बात ये दूसरा पॉइंट देखिए दांत से दुई बार दंती मतलब हमारे जो दांत है वो जीवन काल में दो बार आते हैं सुनो ध्यान से तो यहाँ पे इसे बोलते हैं डायफाडोन देखिए तो हम जब बात करते हैं साथियों तो ये जो दांत होते हैं वो जिंदगी में दो बार आते हैं तो हमारे मानव के जो दांत है ना साथियों वो दो बार आते हैं जैसे क्या बोलते हैं दुई बार दंती बोलते हैं और तीसरा देखिए साथियों कौन सा विषम दंती है जिसे बोलते हैं हेटेरोडोंट विषम दंती का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर देखिए एक से अधिक प्रकार के जो दांत हैं वो यहां पे मिलते हैं उसको जरा समझिए ठीक है छोटा सा पॉइंट है बेटा एक चीज को समझो ये जो स्क्रीन ब्लिंक ऑफ हो रही है हल्की सी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी मैं क्लास को कंटिन्यू करने वाला हूं उसमें मत घबराओ तुम लोग ठीक है मैं क्लास पढ़ाऊंगा टेंशन मत लो आराम से आप लोग ठीक है वो तो प्रॉब्लम होती है कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है अब सोचिए एक्सप्रेस ट्रेन चलती है तो थोड़ी बहुत समस्या कभी कभी आ जाती है उसको मैं सही करवा दूंगा क्लास के बाद टेंशन ना लो ठीक है चलो अब जरा यहां पे देखिए तो हमारे जो मनुष्य के दांतों हो कितने प्रकार के साथ हो तो तीन प्रकार के हैं। मैं बता चुका हूं

होते हैं जिसमें मसूड़ों के अंदर धसे रहते हैं जैसे इंसानों के अंदर है यहाँ पे क्रोकोडाइल्स के अंदर मिलते हैं ये भी आप जरा समझिए छोटा सा पॉइंट है है ठीक चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए देखिए से जो मैं बताने वाला ये है हम जब भी कुछ यहाँ पे खट्टा मीठा खाते हैं तो उससे हमारे दांतों पर असर पड़ता है तो हमारे दांतों का पीएच वैल्यू यदि साढ़े पांच से कम हो जाए तो हमारे दांतों के जो मिनरल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और इससे हमारे दांतों में जो सड़न है वो शुरू हो जाती है तो दांतों में मिनरल्स कब खत्म होते हैं साढ़े पांच की पीएच वैल्यू यदि कम हो जाए तो ठीक है ये भी जरा समझिए छोटा सा पॉइंट है आइए फिर हम बात करते हैं देखिए सलाइवा के बारे में लार के बारे में आपको बता दो कि लार जो निकलती है वो निकलती है ग्रंथियों से जिसे बोलते हैं लार ग्रंथियां और ये लाड़ ग्रंथियां हमारे शरीर में टोटल छह होती है तीन लेफ्ट में और तीन राइट में तो ये तीन प्रकार की है कौन कौन सी सबसे बड़ी है पैरोटिड देखिए हमारे बिल्कुल कान के पास में यहाँ पे एक ग्रंथि मिलती है जिसे लाड़ ग्रंथि कहते हैं जिसे पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं तो ये पैरोटिड ग्लैंड आपको यहाँ पे नजर आने वाली है इसके अलावा देखिए सब मैंडिबुलर मिलेगी और सब लिंगुल मिलेगी तो ये तीन लाड़ ग्रंथियां जो दिखाई देती है हमें अब आपको बताऊं छोटा सा पॉइंट कि ये जो लाड़ ग्रंथियां होती है ये हमारे शरीर में सलाइवा का निर्माण करती है और आपने कभी नोटिस किया होगा आप जब भी भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद भोजन चिपचिपा हो जाता है, है ना तो भोजन जो चिपचिपा हो जाता है वो क्यों हो जाता है क्योंकि उसमें लार मिल जाती है सिला मिल जाती है और ये सलाइवा से मिलने वाला जो भोजन होता है साथियों से बोलते हैं बोलस क्या बोलते हैं बोलस बोलते हैं और आपको छोटा सा पॉइंट सुनो ध्यान से यहाँ पे तीन तरह की लार ग्रंथियां हैं जो हमें यहाँ पे मिलने वाली है चलिए जरा यहां पे देखिए जैसे ही भोजन देखिए हमने लार में खत्म किया उसके बाद हमारा भोजन ईसोफेगस के माध्यम से मतलब ग्रास नली के माध्यम से हमारे अमाशय में जाने वाला है अब आप जरा नोटिस कीजिएगा कि जब ये भोजन देखिए ऊपर से नीचे आता है जब ये भोजन ऊपर से नीचे आता है तो एकदम से नहीं आता वो लगातार सिकुड़ते हुए नीचे आएगा इसे बोलते हैं गति तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन सी यहाँ पे गति होती है तो यहाँ पे बेटा जो गति होती है वो कौन सी होती है क्रमानुकंचन गति होती है अब हम जरा देख पाएंगे कि ये सारा का सारा भोजन कहां पे आने वाला है ये सारा का सारा जो फूड है ना बेटा वो हमारे स्टमक में आएगा अब हमारे स्टमक के अंदर यहाँ पे एक्चुअल में जो पाचन क्रिया

अमाशय को हमने बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया है इसका सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कार्डियक कहा जाता है फिर यहाँ पे बीच का पार्ट देखिए बड़ा फंडस है सबसे बड़ा वाला पार्ट बॉडी का है

वो ब्लिंक होती रहती है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है बेटे कभी कभी ठीक तो -साथ है साथ ही साथ है तो भैया कैसे शुरू होती है किस प्रकार से शुरू होती है वो बता दीजिए अब देखिए होता है क्या ना कि यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर मिलते हैं जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जानवर मिलते हैं जिसको हम खुर वाले जानवर बोलते हैं खुर वाले जानवर देखा है जैसे गाय देखी होगी अपने

अब जरा यहां पे देखिए कि जैसे जैसे फूड देखिए हमारे अमाशे में आएगा तो अमाशा में फूड टूट जाता है पाचन क्रिया हो जाती है अब अमाशे के अंदर पाचन क्रिया क्यों होती है क्योंकि इसमें पाचन क्रिया के पीछे बेटा जो रीजन है वो है इसमें पाए जाने वाले एसिड आप जरा देखिए ध्यान से तो यहाँ पे बहुत सारे एसिड है जो मिलने वाले हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाए जाने वाले एसिड में बच्चा कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अब आपके क्वेश्चन ये बनते हैं छोटे छोटे से कि बताइए भैया कि अमाशे में जो रस निकलता है उसे क्या बोलते हैं तो अमाशय के अंदर निकलने वाला जो रस होता है इसे बोलते हैं अमाशिक रस और इंग्लिश में साथियों से कहा जाता है द गैस्ट्रिक जूस क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसमें सबसे ज्यादा पानी मिलेगा फिर बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं अभी कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं तो इसमें देखिए बेटा पहला मिलता है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है फिर यहाँ पे लाइपेज है जो वसा का पाचन करता है और तीसरा रेनिन है जो यहाँ पे दूध में पाए जाने वाली चिकनाई का पाचन करता है तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि यहाँ पे तीन तरह के एंजाइम है जो मिलने वाले हैं कौन सा भैया तो पहला है पेप्सिन जिसे बोलते हैं प्रोटीन का पाचन करने वाला दूसरा लाइपेज जो यहाँ पे वसा का पाचन करता है फैट का पाचन करता है और तीसरा देखिए साथियों हम जब बात करते हैं वो कौन सा है रेनिन है इसके अलावा देखिए साथियों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें पाया जाता है इसके अलावा देखिए क्लोराइड मिलते हैं फॉस्फोर्ट के यहाँ पे आयन्स हैं जो पाए जाते हैं लॉजिकली है चलो अब इसकी बात अब जरा समझो छोटा सा पॉइंट देखिए क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है तो यहाँ से हमारा जो भोजन होता है हमारा जो फूड होता है ना साथी, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है और एसिडिक होने के बाद यहाँ पे बनने वाले भोजन को क्या कहा जाता है कायम क्या बोलते हैं कायम बोलते हैं ये आप जरा यहाँ पे समझ हमारे शरीर के अंदर साथियों सर आवाज नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही हेलो 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 बेटा आवाज आ तो रही हेलो हेलो बेटा आवाज आ तो रही है क्या दिक्कत आवाज के अंदर इज इट ऑडियो ऑडिबल ना यार तुम लोग बहुत डराते हो मुझे बता सभी सबके सब चेक सब। नहीं तो मुझे हेलो 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 नालायक को तुम बहुत वो कर रहे हो यार पता हुआ क्या बेटा छोटा सा पॉइंट किया ना कि कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब अच्छी अच्छी क्लासेस में तो प्रॉब्लम हो जाती है नजर लग जाती है तुम लोग अब तुम लोग मुझे नजर लगाए रहे हो सबके सब है ना भैया आप लोग कतई जहर दिखते हो अब तो चलो अब जरा सबके सब यहाँ देख लो बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट में दे रहा हूँ ठीक है अब जरा यहाँ पे देखिए यहां तो मैं ये बता रहा था देखिए कि जैसे यहाँ पे हमारा जो फूड है ना वो अमाशे में आ जाएगा तो अमाशे के बाद देखिए वो हमारा जो लीवर है और जो पैंक्रियाज है ये सबसे ज्यादा काम करने वाला है अब जरा को को देखिए ध्यान से हमारे शरीर में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है ये तो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है साथी वो है लीवर और लीवर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लैंड है कौन सा है पैंक्रियास है आप यहां पे देखिए अब स के अंदर से ना बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं तो यहां से बेटा निकलने वाले हार्मोन्स देखिए बहुत सारे प्रकार के हैं तो अल्फा कोशिका से बीटा कोशिका से गामा कोशिका से डेल्टा कोशिका से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं सबसे पहला निकलता है ग्लूकेगन बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हम जब बात करते हैं अग्न्याशय के बारे में पैंक्रियास के बारे में तो पैंक्रियास की यहाँ पे बीटा कोशिका से निकलने वाला जो हार्मो

दूसरा एमाइलेज है तीसरा यहाँ पे कार्बिन देखिए कार्बोक्सिल पेप्टाइड मिलता है फिर यहाँ पे लाइपेज है और लास्ट में माल्टेज है ट्रिप्सिम की मैं बात करूं तो ये प्रोटीन का पाचन करता है एमाइलेज बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है लाइपेज यहाँ पे वसा मतलब फैट का पाचन करता है और हम जब बात करेंगे माल्टेज ये माल्टेज भी हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में आने वाला है चलो लॉजिकली लॉजिकली ये ये सारी सारी बातें बातें बताओ जल्दी से बोलो हाँ, ना चलो भैया बस खत्म हो गया हमारा ये उसके बाद देखिए चलते हैं हमारे लीवर के बारे में अब देखिए लीवर की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर का सबसे भारी अंगों में से एक है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी बेटा लीवर है अब लीवर ना बहुत सारे काम करता है जैसे भैया ये हमारे शरीर में पुरानी जो आरबीसी होती है उसे खत्म कर देता है हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों को जमा करता है विटामिन पे जमा होता है लीवर में जमा होता है इसी तरह से ग्लूकोज को यहाँ पे चेंज कौन करता है लीवर करता है इसी तरह से हमारे शरीर में देखिए ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन करने का काम करता है यहाँ पे जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण करेगा हाँ पे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल की मात्रा को नियंत्रित करता है और बहुत सारे यहाँ पे जहरीले पदार्थों को खत्म करने का काम करने का बच्चे तो आंसर लीवर, करता है। तो लीवर ये सब काम है जो करने वाला है हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है लीवर करता है तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है बच्चे तो आंसर है लीवर के द्वारा किया जाता है अब आपको जरा यहाँ पे समझो सबके सब चलिए इसके बाद देखिए हमारा जो भोजन है वो कहां जाएगा बेटा हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा अब हमारे इंटेस्टाइन की बात करते हैं हमारे आंतों की बात करते हैं तो आंतों के अंदर यहाँ पे बहुत सारे हिस्से मिलेंगे देखिए आंतों में सबसे पहला मिलता है ड्यूडेनम फिर यहाँ पे जुजेनम है और फिर यहाँ पे इलियम है इसके बाद हम देखिए बड़ी आंत पर आते हैं तो हमारे पास में दो तरह की आंतें होती हैं छोटी आंतें और बड़ी आंतें आपको बता दू छोटा सा पॉइंट कि जो छोटी आंत है वो सिर्फ कहने में छोटी है भैया लंबाई हेलो 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 बेटा देखना जरा कोई इश्यू तो नहीं है इसके अंदर आवाज़ में हेलो 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 चलिए बालक देखो ठीक है आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है आप प्लीज हाँ मेरी आवाज बेटा मारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलिए ये तुम लोगों ने जो मुझे भर भर के नजरे लगाई है ना तुम लोगों ने जो मुझे भर भर के नजरे लगाई ना बेटा इस कारण से हो रही है ठीक है नजर मत देना प्लीज सबके सब अब जरा यहां पर पढ़िए सबके सब, सब देखो छोटा सा पॉइंट है देखो तो मैंने ये बताया कि हमारे मुंह में ना सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर यहां पे टाइलिन होता है जो देखिए शकरा को तोड़ता है स्टार्च को माल्टेज या हमारे जो ग्लूकोज है उसमें तोड़ देगा सिंपल सी बात है फिर देखिए ईसो के अंदर किसी प्रकार से कोई भी पाचन क्रिया नहीं होने वाली है ठीक है ये फैक्ट भी यहाँ पे जरा समझेगा फिर देखिए बेटा आते हैं स्टमक पर स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं जैसे एससीएल मिलता है पेप्सिन मिलता है Ranil मिलता है तो सबसे पहले पेप्सिन को यहाँ पे प्रोटीन्स में तोड़ता है प्रोटीन्स को तोड़ने का काम कौन करता है बेटा यहाँ पे पेप्सिन करता है अग्निहाशय के अंदर ट्रिप्सिन मिलेगा बड़ी आत्म में और छोटी में भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं चलिए शुरू करते हैं साथियों क्वेश्चन को अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है जल्दी से बताएगा सबके सब बहुत शानदार क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं चलिए हमने जितना कुछ पढ़ा हुआ है ना अभी तक उन सभी को क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं वो जल्दी से फटाफट से मुझे इसका आंसर यहां पे देने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन है जो मैं कराने वाला हूं चलिए भी शुरू करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन के साथ में बताइए मेरे छोटे भाई बहन जल्दी से क्या आंसर इसका होने वाला है चलिए भैया जल्दी से बताइए सबके सर देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला के दिखे क्या है? कि देरा फिंगर आपको बताओ छोटा सा पॉइंट कि हमारी देखिए छोटी आठ के अंदर यहाँ पे बहुत सारी उंगली संरचना मिलती है तो हमारी छोटी आंत के अंदर ये उंगली नुमा संरचना मिलती है और इसी उंगली नुमा संरचना को बेटा क्या कहा जाता है देखिए

और ये अमाशे को हम क्या बोलते हैं स्टमक बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टमक बोलते हैं तो स्टमक के अंदर पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम देखिए पे क्या है है पेप्सिन पेप्सिन और हमारे प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन था नेक्स्ट बताइए जल्दी से कि हमारी जीव पर यहाँ पे कौन से जो रिसेप्टर्स है वो पाए जाते हैं ये बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए आपके सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है मतलब आपको मैंने आज जो पढ़ा दिया है उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाहर जाने वाली जल्दी बताओ सब देखो तो इनमें से कौन से रिसेप्ट जो हमारी जीभ पे पाए जाते हैं मैं बता चुका था कि हमारी पे बेटा पाए जाने वाले जो रिसेप्ट होते हैं उनको बोलते हैं रस संवेदी जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते है? टेस्ट सेंसिटी बोलते हैं हैं टेस्ट सेंसिटिव और आपको छोटा सा पॉइंट बताऊं सुनो ध्यान से कि इन रिसेप्टर्स को ना बेटा कहा जाता है पेपिला क्या बोलते हैं पेपिला बोलते हैं ये भी जरा समझिए छोटा सा पॉइंट है कि हमारे इन रिसेप्टर्स को बेटा क्या कहा जाता है भैया तो इन्हें क्या बोलते हैं पेपिला कहा जाता है क्या बोलते हैं पेपिला भी बोलते हैं छोटा सा पॉइंट है इसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि एक मानव की जीभ पर

दो तो हजार से लेकर आठ हजार जो पेपिलाज है वो मिलने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है देखिए ये हमारा स्टमक मिलेगा सिंपल सी बात है हमारे स्टमक के अंदर एस भरा रहता है अब एस से हमारा हमारा जो स्टमक है ना बचा रहे तो इसके लिए साथियों यहाँ पे पाए जाने वाली एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं बलगम की लेयर जिसे बोलते हैं है, तो म्यूकस की बोलते है हैं है। तो लेशा है। के, है के बारे में तो अमाशा से बचाने के लिए यहाँ पे पाए जाने वाली जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं म्यूकस की लेयर बोलते हैं लॉजिकली है अच्छा क्वेश्चन ये बनता भैया कि इसमें कौन सा एसिड है जो पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आप जानते हैं यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इससे हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है ठीक है बेटा हिंदी में बोलाओ बेटा मैं हिंदी में तो बता रहा हूँ सारी सारी बातें यहाँ पे पाए जाने वाली जो म्यूकियस की परत होती है उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए बलगम की परत बोलते हैं अब पता नहीं कौन से बच्चे जो हिंदी इंग्लिश में दिक्कत कर पा रहे हैं मैं ऐसा मांग के चलता हूँ कि बेटा सबकी सब चीजें मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ठीक है बेटा यहाँ कुछ दिक्कत तो हो रही है थोड़ी बहुत यहाँ पे स्क्रीन को लेकर उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा आज की क्लास के अंदर ठीक है देखो पता है क्या बेटा कुछ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन अल्टीमेटली मेन चीज है तुम्हारी क्लास रुकनी नहीं चाहिए और मैं क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं है ना टेंशन मत लो बेटा वो कभी कभी बेटा हो जाती है कुछ चीजें प्रॉब्लम दिक्कत वाली बात नहीं है बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से बेटा किस पशु में छोटी आंत सबसे सबसे छोटी होती है क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि हम जब बात करेंगे जरा बताइए छोटा सा पॉइंट कि इनमें से कौन से एनिमल्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे छोटी होती है अब आपको जरा समझना छोटा सा पॉइंट देखिए ये बेटा एक ऐसा जानवर है जो यहाँ पे मांसाहारी है और ये एक ऐसा जानवर है जो देखिए शाकाहारी है आपको मैं बताऊं छोटा सा पॉइंट कि जो मांसाहारी होते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है जबकि यहाँ पे शाकाहारी जीव जंतुओं की जो छोटी आंत होती है वो ज्यादा बड़ी होती है इसका इसका रीजन जानते इसका रीजन जानते हैं क्या मैं बताता छोटा सा पॉइंट सुनो एक्चुअल में देखा जाए <coughs> एक्चुअल में देखा जाए देखिए साथियों तो यहाँ पे जो मांसाहारी लोग होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भोजन को पचा लेते हैं लेकिन जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं और प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज और सेलुलोज को पचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो लाइन इज द राइट आंसर तो right ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से इनमें से कौन सा अंग है जो रस का देखिए स्त्रावित करता है सीक्रेट करता है बायोजूस को आपको बताओ छोटा सा पॉइंट का जो निर्माण है रस का जो

आपको हर एक चीज चीजें पढ़ाई है टेंशन ना लो ठीक है टेंशन ना लो आपको हर एक चीज पढ़ा रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर लॉजिकली है चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे पे बताइए जल्दी से क्या देखिए पाचन के बाद यहां पे जो प्रोटीन है वो किस में टूट जाता है देखिए अब जरा यहाँ पे देखिए आपको बताऊं कि हमारे शरीर में हम भोजन को ग्रहण करते हैं सिंपल सी बात है तो यहाँ पे भोजन को ग्रहण करने के बाद हमारा जो एस सी एल है पेप्सिन रेनिन हो गया रेनिन ट्रिप्सिन ले लीजिए ले लीजिए वो हमारे प्रोटीन्स को तोड़ते हैं तो प्रोटीन साथ ही टूटते हैं किसमें अमीनो एसिड्स में तो प्रोटीन्स का जो अंतिम पाचन होता है वो किसमें अमीनो एसिड में होता है जरा समझो छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं सुनो ध्यान से कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स टूटते जाएंगे और प्रोटीन्स का जो अंतिम पाचन हमारे शरीर में होने वाला है वो किसमें होने वाला है देखिए बच्चे अमीनो एसिड में होने वाला ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए ध्यान से इनमें से किसे नहीं पचाया जा सकता क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपको बताऊं कि हमारे शरीर के अंदर किसको पचाने की क्षमता नहीं होती है तो हमारे शरीर के अंदर साथियों सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है इसका रीजन जानते हैं क्या एक्चुअल में जो प्लांट्स होते हैं उनकी कोशिकाएं बनती हैं और प्लांट्स की कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे कोशिका देखिए भित्ती मिलती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है इस सेल वॉल का जो निर्माण है बच्चे वो सेलोज से होता है और सेलोज इतना ज्यादा कठोर है इतना ज्यादा टफ मटेरियल है कि इसे पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं मिलते तो हमारे शरीर में किसे पचाने की क्षमता नहीं होती है सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है तो सेलुलोज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बनने वाले पॉलीसेक्राइड्स है पॉलीसेक्राइड्स है जो हमारे शरीर में पचाने वाली क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती क्योंकि इसको तोड़ने वाले साथियों जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते ये फैक्ट भी यहाँ पे समझिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना से क्वेश्चन बनता है सर मनुष्य में भोजन की पाचन क्रिया की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है आप खुद ही देखिए ध्यान से कि भोजन की पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है बेटा मुख गुहा से होती है यानी कि मुंह से होती है इसको जरा समझो छोटा सा पॉइंट है ठीक है बेटा जो वेजिटेबल्स के सेलोज है उनकी मात्रा बहुत कम होती है लॉजिक सी बात जरा समझो छोटा सा पॉइंट है चलो वाला है सब जल्दी से की पाचन तो क्रिया की, की शुरुआत शुरु से शुरु होती है हमारे मुंह से शुरू होती है मुंह मतलब हमारे माउथ से शुरू होती है और माउथ से शुरू होने के बाद देखिए हमारे छोटी आत्मा की खत्म हो जाती है तो पाचन क्रिया तो यहीं पर होती है पाचन क्रिया की मैं बात करने वाला हूं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है सुनो एक वयक्स मनुष्य का जो पाचन तंत्र है यानी कि मुंह से लेकर गुदा तक इसकी कुल लंबाई कितनी होती है आपको बताऊं छोटा सा पॉइंट कि ये जो हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल गई है जिसे हम सिंपल सी भाषा में आहार नाल बोलते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ मनुष्य की अगर मैं बात करूंगा तो इस स्वस्थ मनुष्य में साथियों इसकी लंबाई तकरीबन तकरीबन 33 फीट या 9 मीटर के आसपास पाई जाती है ठीक है ये भी जरा समझिएगा छोटा सा पॉइंट है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए को देखने से पहले मैं बता साथियों रोज सुबह आपके लिए मैं इसी प्रकार से प्रैक्टिस लेके आ रहा हूं और मेरी कैच दी साइंस सीरीज चलने वाली यदि आप बेटा मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज रात के दस बजे मेरे साथ कर पाएंगे और दूसरी बात देखियो साथियों मैं बता दू सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि

तो आप मेरा साइंस का जो बैच है मात्र में कर सकते हैं आज रात बारह बजे तक आखिरी ऑफर है इसको जरा समझिए ठीक है ठीके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है सबके सब फटाफट से देखिए भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है देखिए मैंने बताया था कि हमारा भोजन हमारा फूड ना जब ऊपर से नीचे आता है तो लगातार फैलता सिकुड़ता रहता है और फैलते सिकुड़ने की इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं क्रमाणुकुंचन क्या बोलते हैं क्रमाणुकुंचन तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर कि हमारी जो ग्रास नली होती है हमारी जो ईसोफेगस होती है तो ईसोफेगस के अंदर यहाँ पे भोजन की इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा तो इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं क्रमाणुकुंचन गति क्या बोलते हैं क्रमानु कुंचन गति बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो खुर वाले जानवर होते हैं खुर वाले जानवर होते हैं उनके अमाशय का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है मैंने अभी पढ़ाया है देखिए ध्यान से तो इनके अमाशय के इनके स्टमक के चार हिस्से मिलेंगे जिसमें पहला कौन सा है? रेटिकुलम है फिर यहाँ पे एबसोसम है फिर यहाँ पे ओमसन है और लास्ट में कौन सा रूमन है सबसे बड़ा वाला पार्ट भैया कौन सा होगा इसमें तो सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है र्यूमन कौन सा होने वाला है र्यूमन होने वाला है जल्दी बताइए सब किस मुझे कॉमेंट के अंदर तो यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट बच्चे कौन सा है देखिए रूमन है आप इस बात को यहाँ पे समझिएगा ठीक है छोटा सा पॉइंट है

की बात करते हुए कौन सा देखिए बच्चा यकृत होने वाला है लीवर होने वाला है अब लीवर की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये बहुत सारे काम करता है जैसे सबसे पहले भैया विटामिन को भंडारित करता है हमारे शरीर में विटामिन ए पे जमा होता है लीवर में जमा होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज को परिवर्तित कौन करता है लीवर करता है यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है लीवर करता है हमारे शरीर में ब्लड को शुद्ध कौन करता है लीवर करता है हमारे शरीर के अंदर साथियों जब बात करते हैं हमारे शरीर में जब बात करते हैं तो यूरिया का बता चुका हूं इसी तरह से जूस का फॉर्मेशन कौन करता है लीवर करता है तो मानव शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है लीवर है गलती मत करना पहले बताना अच्छा ये बताओ मुझे कैसा ग्लैंड है एंडोक्राइन है एक्सोक्राइन है तो ये हमारे शरीर के अंदर साथियों पाया जाने वाला एक प्रकार का, का एक्सोक्राइन है जिसे बोलते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि क्या बोलते हैं बहिस्त्रावी बोलते हैं गलती मत करना चलो अच्छा ये बताओ मुझे सबके सब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मतलब आप खुद ही सोचिए सबके सब आप खुद ही सोचिए साथी सबके सब मैंने आपको क्वेश्चंस की थ्योरी कराई क्वेश्चंस की थ्योरी के बाद प्रैक्टिस भी करा रहा हूं अब आप क्या पढ़ोगे अलग से क्या पढ़ोगे साथियों सुनो ध्यान से आपको मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो बच्चे एक्जैक्टली सिलेक्शन चाहते हैं देखियो मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ ये क्लास किसको फायदा पहुंचाने वाली है जो बच्चे प्रैक्टिस कर चुके हैं पढ़ चुके हैं रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शानदार क्लास है और अभी भी यदि बेटा फाउंडेशन पढ़ रहे ना तो देखो फाउंडेशन के लिए आपको अलग से समय देना पड़ेगा ठीक है चलो जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है सबके सब कि हमारे पेट में इनमें से कौन सा अम्ल है जो उत्पादित करता है जो हमारे पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है कौन सा एसिड बनता है तो बेटा यहाँ पे बनने वाला जो एसिड ऐसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंपल था क्वेश्चन था बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो नेक्स्ट बताइए जल्दी से कि पाचन तंत्र के चरणों का इनमें से कौन सा सही क्रम है मतलब हमारे शरीर में होने वाली जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो डाइजेशन की प्रोसेस का सही क्रम कौन सा होने वाला है इसी क्वेश्चन देखिए पूछा गया तो हमारे शरीर में सबसे पहले होता है क्या अंतग्रहण अंतग्रहण ग्रहण होता है फिर यहां पे अवशोषण नहीं अंतग्रहण के बाद देखिए पाचन होता है फिर यहाँ पे अवशोषण होता है फिर यहाँ पे उत्सर्जन होता है पहले इंजेक्शन है पहले भोजन खाएंगे भोजन खाने के बाद डाइजेशन करेंगे फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे और लास्ट में निकाल देंगे तो आंसर यहाँ पे डी लगा दो बहुत इजी क्वेश्चन ये नेक्स्ट बताइए जल्दी से पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी के यहां पे जे शब्द के बराबर है अंग्रेजी का जे शब्द होता है आप देख पाएंगे क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर देखिए हमारा क्या है अमाशय इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन कि मानव शरीर में बेटा वसा का पाचन मुख्यता कहां पर होता है देखिए फैट की बात की जा रही सुनो तो फैट का पाचन होता कहां पर है सुनो ध्यान से बच्चे देखो तो फैट के पाचन के लिए यहाँ पे जो एंजाइम आता है देखो यहाँ पे फैट के पाचन के लिए जो एंजाइम आता है उसे बोलते हैं लाइपेस क्या बोलते हैं लाइपेस बोलते हैं और ये जो लाइपेस निकलता है ये एक्चुअल में निकलता कहां से देखिए बेटा तो ये निकलता है हमारी छोटी आंत में सुनो ध्यान से तो एक्चुअल में देखा जाए तो वसा का जो पाचन मुख्यतः होता वो होता कहां पर है तो वसा का पाचन भैया कहां पर होता है छोटी आंत में होता है किसे लाइपेस से किसे लाइपेस से बताइए जल्दी से इनमें से कौन से एंजाम है जो पैंक्रियास के द्वारा निकाले जाते हैं देखिए पैंक्रियास के द्वारा कौन सा एंजाम निकाला जा रहा है वो है ट्रिप्सिन कौन सा ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन की बात करते हैं

तो हम जब मुंह में पानी आता, आता है वो किस कारण से आता है वो किस कारण से आएगा देखिए तो मुंह में बेटा पानी आता है यहां पे न्यूरोलॉजिकल पे देखिए किससे से क्यों हमारे देखिए जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमारे मस्तिष्क को सिग्नल पहुंचाते हैं इतना स्वादिष्ट भोजन है इससे मुंह में पानी आ जाता है मुंह में पानी का आने का बड़ा मतलब होता है कि हमारे मुंह में सलाइवा की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है ठीक है ये फैक्ट भी आप यहाँ पे समझो ठीक है छोटा सा पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से बताइए जल्दी से कि दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है जब दांतों का पीएच मान कम होता है किससे कम होता है मैं बता चुका हूं कि जब दांतों का पीएच मान बेटा साढ़े पांच से कम हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे हमारे दांतों के अंदर जो पाए जाने वाली परतें होती है वो खराब हो जाती है तो दांतों के सबसे ऊपर देखिए बेटा पाए जाने वाली परत होती है इसे बोलते हैं इनामल की परत और ये बेसिकली बनती है किसकी बच्चे तो आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट की ये भी जरा समझेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट की परत का निर्माण होता है जिससे ये खराब होना शुरू हो जाती है और ये क्या बोलती है डीमिनरलाइजेशन कहलाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से इनमें से इनमें से इनमें से किसके ऑक्सीकरण से सबसे ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है अब जरा सुनो देखो हमारे हमारे भोजन में ना हम जो भोजन करते हैं उसके अंदर पोषक पदार्थ मिलते हैं पोषक तत्व मिलते हैं तो जिसमें प्रोटीन्स भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं फैट भी हैं ये तीन हमारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनसे में ऊर्जा बनती है क्या बनती है ऊर्जा बनती है जरा समझो छोटा सा पॉइंट अब देखिए प्रोटीन को जलाने पर चार किलो कैलरी यहां पे कार्बोहाइड्रेट को जलाने पर फोर किलो कैलरी जबकि फैट को जलाने पर नौ किलो कैलरी ऊर्जा बनती है इसका मतलब जानते हैं क्या है कि अगर हम जलाएंगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है किसे? वसा से लेकिन 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 हमारे शरीर में ना सबसे ज्यादा हम जो भोजन करते हैं तो सबसे ज्यादा भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट से. है है? से बनती है लेकिन ऊर्जा बनती है वसा से बनती है तो जल्दी से बताओ सबके सब नेक्स्ट क्वेश्चन का इनमें से कौन सा जगह है इनमें से कौन सी जगह है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका यहां पे कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन्स का और वसा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी बताओ सबके सब। बस खत्म होने वाला बेटा हमारा ये टॉपिक हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है फिर आपसे मैं बातचीत भी करूंगा ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेटा हम फास्ट नहीं चल रहे हैं हम फास्ट नहीं चल रहे हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अब जिसको फास्ट लग रहा है बेटा मतलब उसकी प्रैक्टिस काफी कम है देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बेटा होने वाला है देखिए वो होने वाला है यहाँ पे छोटी याद देखो ध्यान से तो हमारी जब छोटी यात्र की बात करते हैं तो छोटी आत में सब चीज से पच जाती है इसमें सबसे पहले देखिए मिलता है इरप्सिन जो यहाँ पे प्रोटीन का पाचन करता है यहाँ पे पाया जाता है माल्टे जो यहाँ पे ग्लूकोज को पचाता है फिर यहाँ पे सुक्रोज है साथियों जो सुक्रोज को तोड़ता है यहाँ पे लेक्टोज मिलता है जो देखिये दूध में पाए जाने वाली चिकनाई होती है लेक्टोस उसको तोड़ेगा और लास्ट में साथियों जब बात करते हैं कि लाइपेस जो यहाँ पे वसा का पाचन करता है तो क्वेश्चन बनता है कि हमारी छोटी आत्मीय सारे के सारे एंजाम जो पाए जाते हैं जो हर चीज का पाचन कर देते हैं तो कंप्लीट पाचन जो होता है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होती है वो कहां पे होती है छोटी आत्म होती है गलती मत करना पहले बता रहा हूं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से बेटा ये बताऊ जल्दी से कि हम जब बात करते हैं फेरोमोन के बारे में फेरोमोन्स क्या होते हैं बताइए फेरोमोन्स क्या होते हैं सुनो बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए यहां से आपको बताऊं कि फेरोमोन्स का मतलब होता है कि हमारे आसपास पाए जाने वाली बहुत सारी देखिए जानवर मिलते हैं आपने कभी नोटिस किया होगा थोड़ा सा पॉइंट कि जानवरों के अंदर एक तरह का नेचर पाया जाता है तो जानवरों में जो पाया जाने वाला एक प्रकार का नेचर होता है साथ उसे क्या बोलते हैं फेरोमोन्स बोलते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि एक ही जाति में पाए जाने वाले जानवरों का जो नेचर है उसे क्या बोलते हैं फेरोमोन्स बोलते हैं ये एक तरह का देखिए हार्मोन है जो यहां पे रिएक्शन पे फोर्स करता है ठीक है तो एक ही तरह के बिहेवियर को फॉलो करता है कौन सा फेरोमोन नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि प्रोटीन की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी हो जाती है आप देख पाएंगे बच्चे कि प्रोटीन की है और इस बीमारी कहते हैं जैसे बैरी विटामिन बी की कमी से रिकेट्स विटामिन देखिए डी की कमी से होता है स्कर भी विटामिन सी की कमी से होता है तो आप यहां पर जरा समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बताइए जल्दी से कि प्रेजेंस ऑफ द्वलिफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज ऑफ देखिए अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल की पानी में क्वालिफॉर्म की मात्रा ज्यादा है तो पानी फर, क्वालिफॉर्म की मात्रा ज्यादा होने का मतलब क्या होता है देखिए इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे पानी है वो यहां पे क्या हो चुका है देखिए अवशिष्ट हो चुका है वो प्रदूषित हो चुका है तो क्वालिफॉर्म एक तरह के देखिए हम जब बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे देखिए संदूषण का लक्षण होता है जो कोलाई जो कोलाई बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण से बनता है ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो अगर कोलिफॉर्म आता है तो इससे इससे देखिए हमारे हेजा दस्त टाइफाइड यहाँ पे पीलिया जैसी बीमारी जो हो सकती है कोलिफॉर्म के कारण ठीक है नेक्स्ट बताइए जल्दी से इनमें से किसके पास देखिए जो होमोडोंट तीत है वो पाए जाते हैं इनमें से किसके पास देखिए होमोडोंट दांत पाए जाते हैं देखिए बताना चाहूंगा छोटा सा पॉइंट कि मानव शरीर के अंदर जो दांत मिलते हैं वो हेटेरोडोंट होते हैं सर हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में अलग अलग प्रकार के दांत मिलते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके सभी दांत कैसे होते हैं एक जैसे होते हैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बेटा होगा वो मछली होने वाला है यस तो मछली के अंदर जो पाए जाने वाले दांत होते हैं ना बच्चे सुनो ध्यान से वो यहाँ पे कैसे होते हैं होमोडोंट प्रकार के होते हैं क्योंकि उनके सभी के सभी दांत कैसे होते हैं एक ही तरह के होते हैं तो इसका आंसर बेटा फिश हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से कि ड्यूडेनम किसका पार्ट है देखिए तो ड्यूडेनम की बात करते हैं तो ये हमारी छोटी याद का सबसे ऊपरी हिस्सा है तो छोटी याद के तीन हिस्से मिलते हैं कौन कौन से मिलते हैं तो पहला मिलता है ड्यूडेनम फिर जुजेनम और फिर देखिए इलियम है तो छोटी याद का सबसे ऊपरी जो हिस्सा बच्चे वो कौन सा है ड्यूडेनम मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से द ओनली पार्ट हमारे शरीर का एकमात्र अंग जो दोबारा से विकसित हो सकता है जिसके अंदर दोबारा से प्रॉपर्टी होती है क्या करने की रीग्रो करने की तो बेटा इसका आंसर है यहां पे लीवर यस तो लीवर के अंदर क्षमता होती है ये दोबारा से अपने ग्रो कर सकता है आपको बताऊं छोटा सा पॉइंट कि इसके अंदर होने वाला जो सेल डिवीजन है है वो सबसे फास्ट होता है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं या कौन सा वो पार्ट है जिसमें सेल डिजन बहुत फास्ट होता है तो आंसर यहाँ पे लीवर है लीवर अपने आपको दोबारा से बना लेता है और यही रीजन है कि लीवर का दान करना बहुत आसान हो जाता है ये फैक्ट भी यहाँ पे समझो लॉजिकली है सारी बातें तो आंसर यहाँ पे लीवर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से कि मानव शरीर में बेटा कंठ को क्या कहा जाता है देखिए कंठ हमारे शरीर में जो कंठ होता है कि बताओ जल्दी से कि हम जब बात करते हैं इनमें से कौन सा संबंध इनमें से कथन असत्य दिया गया है बताइए जल्दी से कि. असत्य पूछा गया मतलब गलत है ये गलत बताना हमें गलत इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जल्दी बताओ सबके सब देखो <स्याग> कि हम जब बात करते हैं यहाँ पे भोजन के बारे में तो भोजन एक अजैविक क्रिया है नहीं नहीं क्या बोल रहे यहाँ पे फूड के बारे में नहीं नहीं अजैविक नहीं बड़ा जैविक है सिंपल सी बात है क्यों क्योंकि हमारे भोजन के अंदर बहुत सारे जैविक तत्व मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है वसा है ये सबके सब कैसे तत्व है जैविक तत्व है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या बोल रहा है कि भोजन नली के अंदर संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है देखिए तो हमारा जो भोजन होता है जैसे हम बोलस बोलते हैं बोलस तो ये बोलस जब ऊपर से नीचे आता है तो लगातार फैलता सिकुड़ता रहता है और इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं क्रमानुकुंचन क्या बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो बेटा लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम क्यों है देखो आपको बताऊं आप जब भी भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद यहां पे भोजन मीठा हो जाता है भोजन मीठा क्यों होता है क्योंकि लार के अंदर ऐसे एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को बचा देते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि लार में सबसे पहले किसका पाचन किया जाता है देखिए बच्चे तो आंसर

देखो आपको बताऊं कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट को बेटा कन्वर्ट किया जाता है किसमें कि ग्लाइकोजन में किसमें ग्लाइकोजन में क्यों एक्चुअल में देखिए होता है ग्लूकोस में है तो ग्लूकोज बदलता है किसमें ग्लाइकोजन के अंदर सुनना ध्यान से ग्लाइकोजन होगा देखो होता क्या है क्या है कार्बोहाइड्रेट है इस ग्लूकोज को हम किसमें तोड़ते हैं ग्लाइकोजन में तोड़ते हैं और ग्लाइकोजन को स्टोर कौन करता है बच्चे तो स्टोर करता है यहाँ पे लीवर आपको बताऊं कि जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ते हैं बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस और जब ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोस में लाते उसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो ये प्रोसेस है जो यहां तो इसका आंसर बेटा ए होगा ना कि बी और मुझे गारंटी से बताता तुम तो इसका आंसर गलत करने वाले हो अब जल्दी से बताओ मेरे सबके सब छोटे सब भाई बहन जल्दी से बताइए मुझे कॉमेंट के अंदर मजा आया कि नहीं आया कितना कुछ जानने को मिला सबके सब जल्दी से बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पे क्लासेस इतनी होने वाली है तो मैं बस ये कह रहा हूं देखिए सिलेक्शन के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए क्यों क्योंकि आपको इस क्लास के अंदर मैं थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूँ और साथ साथ में देखिए साथियों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो आपके लिए यहाँ पे जो एक्सप्रेस सीरीज शुरू की, की गई है साथियों घबराओ नहीं बहुत शानदार क्लास होने वाली है अब आपकी दो मिनट के बाद दो मिनट के बाद देखिए साथियों आपकी आकाश एक्सप्रेस आने वाली है तो दस बजे साथियों आपकी आकाश एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है दो मिनट के बाद बहुत शानदार क्लास होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए ध्यान से कि आपको इसी तरह का शानदार कंटेंट है जो लगातार हमारे परिवार में मिलता रहेगा बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा सुनो सबके सब वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जैसे मैंने अभी ये पढ़ा है ना वैसे ही देखिए साथियों कल आपके लिए बहुत ही शानदार मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ तो कल देखिए साथियों हमारी जो सीरीज होने वाली है कल हमारी जो सीरीज होने वाली है वो होने वाली है किसकी तो साथियों तो कल मैं आपके लिए यहां पर लेकर आ रहा हूं फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर कल मैं फिजिक्स के अंदर आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे देखिए मात्रक और मापर यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेके आऊंगा तो हम बहुत बढ़िया पढ़ने वाले हैं मुझे आपके सारे के सारे प्यारे प्यारे कमेंट चाहिए कमेंट चाहिए इस क्लास के खत्म होने के बाद अब मुद्दा ये बनता भी है सर पीडीएफ का मिलेगी देखिए तो मैं बता दू साथियों की यहाँ पे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ये नंबर है और आपको पीडीएफ हमारे प्यारे से परिवार सेशन उम्मीद करता हूं कमेंट का।, का वेट करूंगा और कल कर मिलेंगे हम सेम टाइम पे तो बेटा जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है कल मिलते हैं हम सबके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं बस ये कहना चाहता हूं देखिए अगर आप बेटा प्रैक्टिस के मूड में है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं बारह घंटे में जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा हम आपको एक घंटे में पढ़ा के जाएंगे बाकी जो बच्चे फाउंडेशन जुड़ना चाहते हैं फाउंडेशन में जुड़ सकते हैं क्योंकि फाउंडेशन का एक अलग ही लेवल है पढ़ने का क्योंकि आपको बताऊ साथियों की ये सब चीजें एक अलग लेवल से चल रही है तो हम देखिए दोनों तरह सके प्रैक्टिस कराएंगे मैं आपके कॉमेंट का इंतजार करूंगा मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे